हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनुस हेल्थ टिप्स में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा पांच ऐसी दवाइयों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे, जो एक ऑइंटमेंट में मिक्स करके उसको बनाया गया है, और उस ट्यूब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैस्टर एनएफ। इसके यूज करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, किस इन्फेक्शन में ये अच्छा काम करता है, और इसके यूज करने को कितने टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके मित्र यानी कि फ्रेंड्स को इससे देखकर, इसको जानकर उनको भी कुछ बेनिफिट हासिल हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुबैर और आप देख रहे हैं यूनुस हेल्थ टिप्स। कैस्टर एनएफ ऑइंटमेंट चार दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, टर्बेनाफाइन, क्लोबिटासोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल, जो स्किन इन्फेक्शन के इलाज में प्रयोग किया जाता है। टर्बेनाफाइन एक एंटी फंगल मेडिसिन है, जो फंगस को उनकी सुरक्षा परत बनाने से रोकता है और उनके विकास को खत्म करता है। क्लोबिटासोल एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, और ऑर्निडाजोल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका उपयोग प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक क्यूमोलोन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में प्रयोग की जाती है। कैस्टर एनएफ स्किन क्रीम बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले स्किन के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां मिलाकर बनाई गई है। कैस्टर एनएफ क्रीम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर उनके विकास को रोककर इन्फेक्शन को दूर करता है। कैस्टर एनएफ स्किन क्रीम के इन्फेक्शन से जैसे लालिमा, सूजन और खुजली, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, सोराइसिस और पपड़ीदार स्किन के लक्षणों जैसे इन्फेक्शन को खत्म करता है। इस कारण से जो सूजन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है उसको खत्म करता है, उसको ठीक करता है। दोस्तों, इस तरीके के इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है तो मेरा सुझाव यह है कि उस कंडीशन में हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आप उस कंडीशन में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाइड्रेट, यानी कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपकी बॉडी हीटनेस से बचे। कैस्टर एनएफ क्रीम का इस्तेमाल एक्ने, पिंपल्स या गोरे होने के लिए नहीं है, ये एक एंटी फंगल मेडिसिन और एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। आइए जानते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। एक दवा पतली परत के बराबर आप इस ऑइंटमेंट को साफ हाथों से, यानी कि उस जगह पर, उस प्रभावित जगह पर लगाना चाहिए दिन में दो या तीन बार। दवा लगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अगर ये आपकी आंख, नाक, मुंह या वेजाइना में चला जाता है तो पानी से धो लें, क्योंकि ये दवा बाहरी इन्फेक्शन पर यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्यूब है। आप इसके लक्षण के सुधार करने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है। अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इसको इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ये कैस्टर एनएफ क्रीम 15 ग्राम का ऑइंटमेंट आता है, और ये लीफोर्ड कंपनी का बनाया हुआ है, और इसकी प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों, इसका प्राइस 100 रुपीज MRP है, लेकिन अगर ये कहीं भी आपको सस्ता मिलता है तो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके आपको हम सब्स्टिट्यूट भी बताते हैं। इसके अलावा इन मेडिसिन को कौन कौन सी कंपनी किस किस नाम से बनाती है, आइए उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये थे इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको ड्राइनेस होने लगे, उस जगह पर रेडनेस होने लगे, ईचिंग बढ़ने लगे, जलन होने लगे, तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो इस क्रीम को तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार यूज करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि ये हमने इस वीडियो को किस तरीके से आपके सामने पेश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द दूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।